हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स का, चैप्टर 8 है। सभी लोगों ने बाकी की पार्ट्स देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सभी लोग चेक करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट देखेंगे, देन उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे और देखकर मुझे कमेंट भी करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रक्शन बाय साइक्लोन्स, कैसे साइक्लोन से डिस्ट्रक्शन होते हैं और कैसे हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। सभी को पता है कि जब साइक्लोन आता है तो वो बहुत ज्यादा बर्बादी लेकर आता है ना, सभी चीजें तोड़ता फोड़ता हुआ तब निकल कर जाता है। Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. यानी जो तेज हवाएं होती है वो पानी को किस तरफ धक्का मारती है? किनारों की तरफ धक्का मारती है, ठीक है। जो तेज हवाएं होती हैं वो पानी को किनारों की तरफ धक्का मारती है, और जितने भी किसी भी समुद्र के किनारे, किसी नदी के किनारे, जहां भी साइक्लोन्स आए हुए होते हैं वहां उनके किनारे बसे हुए सारे के सारे शहर तबाह हो जाते हैं, ठीक है। द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे, यानी जो ये आंधी तूफान है ये जब आते हैं, यानी साइक्लोन जब आते हैं तो 100 किलोमीटर तक, कम से कम 20-100 किलोमीटर तक के एरिए में ये बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, पूरे एरिया को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन्स। द वॉटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। मतलब यहाँ की जो वाटर की जो वेव्स होती है ना, वो विंड की वजह से इतनी तेज तेज, या आप कैसे पहचान सकते हो कि साइक्लोन आने वाला है? अगर आप समुद्र के किनारे रहते हो तो आप देखोगे समुद्र में इतनी तेज तेज वेव्स, लहरें आने लगेंगी हवाओं की वजह से, इतनी ताकतवर लहरें आने लगेंगी और वो किनारों पर आकर तेज तेज लड़ने लगेंगी, तेज तेज गिरने लगेंगी, और अगर कोई आदमी उसमें फंस जाए, उन तेज हवाओं में या उन वेव्स में फंस जाए, तो वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। इसीलिए जब तेज हवाएं चलती हैं या पानी का बहाव जब बहुत तेज होता है समुद्र में, जब वहां पर वेव्स बहुत तेज तेज आती हैं, तो मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया जाता है ना, क्योंकि ये खतरा रहता है कि हो सकता है साइक्लोन आ जाए, और साइक्लोन अगर आ गया और वो अपने आप को उन लहरों से, उन वेव से बाहर नहीं निकाल पाए, तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। जो आई मैंने आपको बताया था ना कल वाले पार्ट में, आपको बताया था कि साइक्लोन का आई क्या होता है, बहुत शांत एरिया होता है, वो क्या करता है, लो वहां पर बहुत लो प्रेशर होता है, और लो प्रेशर वो क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है। जो लो प्रेशर है आई का, वो सेंटर की तरफ बहुत प्रेशर के साथ उसको फेंकता है वॉटर को। द राइजिंग वॉटर मे बी एज हाई 3 to 12 मीटर, और जो पानी फेंका जाता है उसके थ्रू वो कितने मीटर ऊंचाई तक जाता है, 3 से 12 मीटर तक की ऊंचाई तक जाता है, जो आई के थ्रू जो पानी लो प्रेशर से फेंका जाता है ऊपर की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन, इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, यही से साइक्लोन बनना आपका चालू हो जाता है। इट अपियर्स लाइक अ वॉटर वॉल मूविंग टूवर्ड द शोर, यानी इसको हम क्या कहते हैं, पानी की एक दीवार जो किनारों की तरफ चल रही है, ऐसी दिखती है कि पानी की एक दीवार किनारों की तरफ चल रही है। As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing seawalls loss of life and property. और इसी के चलते क्या होता रहता है, समुद्र के किनारे जितनी भी कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वो सब प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है यानी उपजाऊ जो भूमि है उसको भी ये खत्म कर देते हैं, यानी उसको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। Continuous heavy rainfall may further worsen of flood situation. और अगर साइक्लोन के साथ साथ heavy rainfall भी continue होता रहे तो ये फ्लूड की सिचुएशन आ जाती है, यानी अब बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाता है। High speed winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees etc., causing tremendous loss of life and property. यानी जितनी भी high speed winds होती हैं, जितने भी जो cyclone होते हैं या फ्लूड वगैरह जो आते हैं, ये सब चीजों को आपके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे वो टेलीफोन लाइन्स हो, चाहे वो आपके घर हो, कोई कम्युनिकेशन अदर सिस्टम हो, ट्रीज हो, या किसी भी तरीके की लाइफ
किसी भी तरीके की लाइफ या प्रॉपर्टी है ना, सबको वो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे देखो, साइक्लोन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्यों? अमेरिका में, जो अमेरिकन हमारा कॉन्टिनेंट है, वहां पर आप साइक्लोन को जानेंगे हरिकेन नाम से। ठीक है, आपको ये लर्न कर लेना है कि इन अमेरिका साइक्लोन इज कॉल्ड एज हरिकेन एंड इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून। समझ गए? ये आपको लर्न करना ही करना है कि अमेरिका में साइक्लोन्स को बोलते हैं हरिकेन और फिलीपींस या जापान में इसको बोलते हैं टाइफून। द डायमीटर ऑफ अ टोरंटो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर। यानी जो टोरनेडो का जो डायमीटर होता है, यानी जो एरिया होता है, इस तरीके से जो एरिया होता है, वो 1 मीटर के बराबर छोटा भी हो सकता है और 1 किलोमीटर के बराबर बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और ये किसके ऊपर मेजर करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये विंड के ऊपर डिपेंड करता है कि विंड कितनी है, किस स्पीड से है। क्लियर? द फनल ऑफ अ टोरनेडो सक्स डस्ट। यानी टोरनेडो कैसे आता है, टोरनेडो इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, ये टोरनेडो इस तरीके से आता है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी डस्ट भरी होती है। ठीक है, और जो भी आसपास का आपका कचरा होगा, जो भी आसपास आपका सामान होगा, वो सब इसके अंदर आने लगेगा, सब इसके अंदर आने लगेगा, इस टोरनेडो के अंदर आने लगेगा। एंड थ्रो देम आउट नियर द टॉप। और फिर क्या करेगा, इसके अंदर आएगा और वो इसको निकाल के इस तरीके से फेंक देगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंक देगा। क्लियर, समझ में आ गई? अ टोरनेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। यानी आपको टोरनेडो से बचने के लिए किसी ऐसे रूम में अंदर जाकर छुपना होगा जहां पर खिड़की दरवाजे ना हो, खिड़की ना हो, दरवाजे कम से कम हो, अगर दरवाजे हैं तो आप उनको बंद कर लेंगे, तभी आप टोरनेडो से बच पाएंगे। और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। और अगर विंडोज हैं तो कोई बात नहीं, आप विंडोज को बंद कीजिए, शट डाउन कीजिए और किसी भी टेबल के नीचे जाकर छुप जाइए, किसी वर्क बेंच के नीचे जाकर छुप जाइए, या कोई भी ऐसी चीज जिसके नीचे जाकर आप छुप सकते हैं, किसी के पीछे जाकर आप छुप सकते हैं, तो ऐसी चीजें आप शेल्टर के लिए ढूंढेंगे कब, जब टोर्नेडो आएगा। वन हैज टू गो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। देखो, जिस पोजीशन में ये बच्चा लेटा हुआ है, या फिर आप अगर खुले में है, कोई प्रोटेक्शन आपको ऐसा नहीं मिल रहा जिसके नीचे जाकर आप छुप सको, तो अपने आप को आप इस सिचुएशन में लाएंगे, इस तरीके से अपने आप को आप टोरनेडो से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे किया है? घुटनों के बल नीचे बैठ गया, सर को जमीन से लगा लिया और हाथों को सर के पीछे रख लिया। ठीक है, ये सिचुएशन, ये पोजीशन आपको समझ आ रही है ना? चलो आगे देखो, द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। यानी जितनी भी कोस्ट लाइन सिचुएशन की वल्नरेबल साइट वो हैं, एरियाज हैं, जितने भी कोस्ट लाइन एरियाज हैं इंडिया के, वहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। और सबसे ज्यादा साइक्लोन्स इनमें से भी कहाँ आते हैं, ईस्ट कोस्ट पर आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल, यानी जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, वहां पर थोड़े कम आते हैं साइक्लोन्स। टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। यानी यहाँ पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी साइक्लोन्स की कम होती है इन कंपैरिजन टू ईस्ट कोस्ट। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनेमोमीटर। एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने ले ली कि जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप विंड की स्पीड को मेजर कर सकते हो, आप बता सकते हो कि अब टॉर्नेडो आने वाला है या नहीं, विंड किस स्पीड से चल रही है, उसके लिए जो आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे दैट इज कॉल्ड एनेमोमीटर। क्लियर? चलो, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब साइक्लोन से, टोर्नेडो से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या है? अ साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। यानी आपको हर समय, अगर आप कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हो, तो आपको साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस को हमेशा वॉच करते रहना पड़ेगा कि कब क्या होने वाला है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक। यानी जब अचानक कभी ऐसा होता है तो वो वार्निंग गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू सभी पोर्ट्स पर, फिशरमैन को, जो फिश शिप पर लोग हैं या जनरल पब्लिक है, सभी तक पहुंचा दी जाती है जल्दी से जल्दी कि ऐसा होने वाला है।
जो लोग सीज के आसपास रहते हैं वो वहां के एरिया को खाली कर दें. कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस. यानी जो साइक्लोन जब आते हैं तो उनसे पहले लोगों को क्या किया जाता है, लोगों को साइक्लोन प्रोन एरिया में भेज दिया जाता है और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं वो सब लोगों को दिए जाते हैं, लोगों को सेफ प्लेसेस पर वहां से निकालकर पहुंचा दिया जाता है. ठीक है, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. अब लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी नॉर्मल पीपल क्या कर सकते हैं जब साइक्लोन आने वाला हो और आपको पता चल जाए. वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर. ऐसी कोई भी न्यूज अगर आपको मिलती है तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे. ठीक है, आप उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे. जो जो भी वो आपको सिचुएशन उस टाइम बता रहे हैं, जो भी करने के लिए आपको बताया जा रहा है, आप उसको फॉलो करेंगे. वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउसहोल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस. यानी अब हमको ये वार्निंग सुनने के बाद क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी जरूरत के सामान को शिफ्ट करना पड़ेगा और हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं या जो भी हमारी जरूरत की और चीजें हैं, उन्हें हमें किसी भी सेफर प्लेस पर क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना. अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स टू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लूड्स मे हैव डैमेज द रोड्स. कभी भी आपको ड्राइविंग रोड से करके नहीं जाना, मेन रोड से ड्राइविंग करके नहीं जाना, क्योंकि जब पानी आता है तो वो सबसे पहले सड़कों को डैमेज करता है. एंड कीप रेडी टू फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर. और आपके पास सभी इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर होना चाहिए, किस किस का, पुलिस का, फायर ब्रिगेड का और किसी भी मेडिकल सेंटर का नंबर आपके पास होना चाहिए. तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या तो आपके सेफ्टी रूल्स थे. ठीक है, क्या क्या आपके सेफ्टी रूल्स हैं और क्या एक्शन आपको लेना है जब आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाए. क्लियर, सभी को क्लियर है, बताओ जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे. एडवांस टेक्नोलॉजीज हैज हेल्प. अब पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी कि हमें नहीं पता चल पाता था, लेकिन अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें कोई भी साइक्लोन आने से पहले, कोई भी टाइफून आने से पहले, कोई भी टोर्नेडो आने से पहले हमें पता चल जाता है और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ना. दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड. इन दिनों हम अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाते हैं पहले के कंपैरिजन में. इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेसिडेंट्स मे हैव लेस हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम एन ऑन कमिंग साइक्लोन. यानी जब जो पुराना टाइम था, यानी एक सेंचुरी जब निकल गई, उससे पहले लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि कब साइक्लोन आने वाला है और वो अपने आप को, ना तो अपने आप को बचा पाते थे, ना अपने सामान को बचा पाते थे. और जब हरिकेन आने वाला होता था, अगर वो तुरंत के तुरंत वहां से निकल जाते थे तो केवल अपनी जान को बचा पाते थे, बाकी सामान तो उनके बस का था ही नहीं उस टाइम ले जाना. ठीक है, द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट. और आजकल का जो समय है वो बहुत चेंज हो चुका है. थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स, अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन watch is issued 48 hours in advance of an expected storm and a cyclone. Warning is issued 24 hours in advance. यानी 48 घंटे पहले तो आपको किसी भी साइक्लोन अलर्ट का पता चल जाता है. कैसे? सैटेलाइट से, रडार से, या किसी भी साइक्लोन अलर्ट से, साइक्लोन वॉच से. 48 आवर्स पहले आपको पता चल जाता है कि हाँ जी साइक्लोन आने वाला है और 24 आवर्स पहले आप लोगों तक ये वार्निंग पहुंचा दी जाती है कि आप लोगों को क्या करना है. जहां भी आप हो, अगर आप ऐसे एरिया में हो कि आपकी जान को खतरा है, तो आपको वहां से अपना जरूरत का सामान लेकर निकल जाना है 24 आवर्स पहले. द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर ऑफ और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियर टू कोस्ट. और ये मैसेज हर एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद लोगों तक बार 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 पहुंचाया जाता है कि कोस्टल एरिया को खाली कर दिया जाए, कोस्टल एरिया को खाली कर दिया जाए. सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स. यानी जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब कोऑपरेट करती हैं साइक्लोन से अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी जान, माल, प्रॉपर्टी, एनिमल्स की सबकी प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो समझ में आया. चैप्टर कैसा लगा आप बताएंगे मुझे. पता है थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा डिफरेंट था,
थोड़ा मुझे भी पढ़ाने में प्रॉब्लम आई, मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम आई, पर आई होप जितना मैंने कोशिश की है आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है तो लाइक भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर भी करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ऊपर यहाँ मैंने सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप मुझे डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।